मालदीव्स, जो एक जमाने में इंडिया का दोस्त हुआ करता था, वो देश आज अचानक से इंडिया से नफरत करने लगा। इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, आज ऐसे नारे मालदीव्स के हर रास्तों पर लग रहे। और हाल ही में तो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू ने भी अपनी जनता से ये वादा किया है कि वो उनके देश से फॉरेन फोर्सेस especially Indian military ko bahar fake kar hi rahenge. We will be sending back other military forces based in the Maldives according to the law and we will do that accordingly. Maldives ke Twitter par bhi #defendmaldives #indianmilitaryout #indiaout ye sab trend kar raha hai. Aur aam janta, well, इंडिया को लेके मालदीवियंस का गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि उन्होंने हाल ही में इंडियन हाई कमीशन पर मेजर अटैक्स किए। मालदीव्स के इसी इंडिया आउट कैंपेन में तो खुद वहां के फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन रास्ते पर उतरकर प्रेस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे। यमीन हैज बीन डिसक्रेडिटिंग इंडिया ओपनली। ही वाज स्पॉटेड कैंपेनिंग विद दिस रेड टी-शर्ट। जिन रैलियों में वहां की जनता भी पीएम मोदी का मजाक बनाने लगे, उनका मास्क पहन के उनका विद्रोह करने लगे थे। लेकिन यार, ये प्रो इंडिया कहे जाने वाला देश मालदीव्स, जहां की गवर्नमेंट एक टाइम पर इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करती थी, जिसके तहत वो अपने फॉरेन रिलेशंस और नेशनल गवर्नेंस के लिए इंडिया को फर्स्ट प्रेफरेंस देती थी, आवर फॉरेन पॉलिसी इज इंडिया फर्स्ट, उस देश में अचानक से इंडिया के प्रति इतनी नफरत क्यों फैल रही है? वेल, लेट्स फाइंड दिस आउट। सो फ्रेंड्स, मालदीव्स ना, इस देश की कहानी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डिड यू नो, इंडियंस का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मालदीव्स, जो इंडिया के मिनिकॉय आइलैंड से महज 120 किलोमीटर की दूरी पर है, ये देश आज सिर्फ और सिर्फ इंडिया के वजह से, इंडिया की बदौलत ही एग्जिस्ट करता है। मतलब उनके देश में डेमोक्रेसी से लेकर इकोनॉमी, GDP, इन सब में इंडिया का एक बहुत ही बड़ा डिसाइसिव योगदान रहा है। एंड मैं ये हवे में बात नहीं कह रहा हूं, मैं इसके सबूत आपको दूंगा। लेकिन आप जरा सोचो, आखिर इंडिया के इतने एहसानों के बावजूद भी आज के तारीख में यही मालदीवियन गवर्नमेंट इंडिया से इतनी नफरत क्यों करने लगी है? तो देखो, साल 1988 की ये बात है, जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोमून अब्दुल गयूम थे। उस वक्त वहां के काफी प्रोमिनेंट और काफी वेल्दी बिजनेसमैन अब्दुल्ला लुतुफी प्रेसिडेंट गयूम को रिप्लेस करके पूरे देश पर खुद का कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए लुतुफी ने श्रीलंका से कुछ मर्सिनरीज, यानी कि भाड़े के टेम्पररी सोल्जर्स भी बुलाए थे, और दो बार 1980 और 1983 में उसने उन श्रीलंकन मर्सिनरी फोर्सेस की मदद से कू करवाने की भी कोशिश की थी, पर इसमें वो अनसक्सेसफुल रहे थे। लेकिन साल 1988 में लुतुफी का कू अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया और उसके इन्हीं मर्सिनरी फोर्सेस ने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस और बिल्डिंग्स को, यहां तक कि उसने मालदीव्स के प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी अपने कब्जे में ले लिया था। अब इसके वजह से प्रेसिडेंट गयूम को अपनी फैमिली के साथ एक सेफ हाउस में छुपना पड़ गया, पर इसका करारा जवाब देने के लिए गयूम ने बाकी देशों से मिलिट्री असिस्टेंस मांगना शुरू कर दिया। वो श्रीलंका, पाकिस्तान, सिंगापुर और यूके के पास गए, लेकिन सभी ने लैक ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज बोलते हुए मदद करने से मना कर दिया। इनफैक्ट गयूम ने यूएस से भी मदद मांगने की कोशिश की, पर यूएस ने डिस्टेंस का बहाना करते हुए डिनाई कर दिया। और उस वक्त गयूम ऑलमोस्ट पूरी तरीके से उम्मीद हार चुके थे। लेकिन तभी ही यूके ने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना वो इंडिया से मदद मांग ले, इंडिया शायद मदद कर देगा। और वाकई में ये आइडिया मालदीव्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो गया, क्योंकि इंडिया से हेल्प मांगते ही इंडिया ने तुरंत उसे अप्रूव कर दिया और महज 9 घंटों के अंदर हमने अपने पैराट्रूपर्स को मालदीव्स में डिप्लॉय कर दिया। और उसी रात को इंडियन फोर्सेस ने लुतुफी के मर्सिनरीज को हराकर प्रेसिडेंट को बचा के उनको और बेसिकली मालदीवियन डेमोक्रेसी को ही रीइंस्टॉल करवा दिया। सो इससे आप समझ गए होंगे मालदीव्स के आज सोवरेन स्टेट अपीयर करने के पीछे इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। अब जरा बात करते हैं कि कैसे मालदीव्स की GDP हमारे वजह से $6.1 बिलियन की आज के तारीख में है। तो साल 2018 में इंडिया ने मालदीव्स के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए $1.4 बिलियन एड में दिए थे। और ध्यान से सुनना, ये अमाउंट उनके टोटल $6.1 बिलियन के GDP का 25% है। अब ऑफ कोर्स ऐसे डील्स में इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि सारे टेंडर्स इंडियन कंपनीज को मिलते हैं और ऐसे वक्त में ट्रेडर्स अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। बट फ्रेंड्स, आज के तारीख में आप इन्हीं गुड्स एंड कमोडिटीज में वर्चुअल प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। मैंने कई बार वीडियोस में XM के बारे में आपको बताया, जो कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 9 एसेट क्लासेस जैसे स्टॉक्स, मेटल्स, इंडाइसेस, क्रिप्टो एटसेट्रा में ट्रेड कर सकते हो। इनकी सबसे खास बात है कि इन्होंने कॉपी ट्रेडिंग लॉन्च किया है, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कॉपी करना अलाउड है और अच्छा भी है। आप यहां पर एक एक्सपर्ट ट्रेडर, यानी कि एक स्ट्रेटजी मैनेजर को कॉपी करके
उनके रिसर्च एनालिसिस और एक्सपीरियंस का फायदा उठा के ट्रेडिंग कर सकते हो। आपको सिर्फ एक्सएम पर अपना अकाउंट ओपन करना है और कॉपी ट्रेडिंग शुरू करना है, जिसमें आप अपना एक्सपर्ट यहाँ पर खुद चूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक्सपर्ट की सारी डिटेल्स मिलेगी, जैसे कितने और यूजर्स उस एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हैं, उनके पास्ट रिजल्ट्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में वो ट्रेड करते हैं वगैरह, जिससे आपको आसानी होगी एक्सपर्ट चूज करने में। यहाँ पर बेसिकली सब कुछ स्ट्रैटेजी मैनेजर करेंगे, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, आपको बस उनको फॉलो करना है, और उनको फॉलो करके आप सीख भी सकते हो। अब इसका एग्जैक्टली यही फीचर मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि खासकर जो लोग नए होते हैं या जिनके पास सीखने का टाइम नहीं है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप टोटल कंट्रोल में हो, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, कब पॉज या एग्जिट करना है, और कितना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना है, ये सब आप खुद डिसाइड करते हो। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ताकि आप भी एक्सएम कॉपी ट्रेडिंग के साथ फॉलो, कॉपी और अर्न कर सको। ओपन योर अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक। सो हम बात कर रहे थे कि कैसे मालदीव्स की इकोनॉमी में इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब फ्रेंड्स, यूएस की एक प्रोमिनेंट थिंक टैंक कार्नेगी के हिसाब से मालदीव्स का 28% जीडीपी और 60% फॉरेन रिजर्व्स टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आता है, और कार्नेगी के मुताबिक उनके इस सेक्टर को 2020 से इंडियन टूरिस्ट डोमिनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट उनके टॉप हॉस्पिटैलिटी एंड होटल चेन मर्क्योर के टाइकॉन मोहम्मद अली ने भी ये स्टेटमेंट दिया कि कोविड पैंडेमिक में इंडियन टूरिस्ट ने ही उनके बिजनेसेस को बचाए रखा था, और इसके बाद भी 2020 के पैंडेमिक में मालदीवियन इकोनॉमी क्रैश ना हो, इसीलिए इंडिया ने वापस उस दौरान $100 million का एड मालदीव्स को फिर से दिया था। और बात सिर्फ यहाँ पर पैसों की नहीं है, इन मेजर असिस्टेंसेस के अलावा भी इंडिया मालदीव्स को जनरली ही ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देते आ रहा है। जैसे दिसंबर 2014 में इंडिया ने ऑपरेशन नीर कंडक्ट किया था, जब मालदीव्स के वाटर डीसैलिनेशन प्लांट में आग लग गई थी, उस वक्त इंडिया ने मालदीव्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया। 2004 में मालदीव्स को एक बड़ी सुनामी ने हिट किया था, तभी भी इंडिया ने रेस्क्यू मिशन कंडक्ट करके उनको फ्रेश वाटर और फूड प्रोवाइड किया। इवन कोविड के टाइम में भी इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स को ऑपरेशन संजीवनी के अंडर 6.5 tons के एसेंशियल मेडिसिन और कोविड वैक्सीनेशन दिए थे। और रिसेंटली भी हमारे पीएम मोदी जी ने मालदीव्स को 100 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल्स और मालदीवियन इकोनॉमी को बूस्ट मिले, इसलिए 22,000 सीटर्स का एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने का एश्योरेंस दिया है। अब इतने मदद के बाद ऑब्वियसली बात है, मालदीव्स के पास्ट गवर्नमेंट्स प्रो इंडिया ही थे। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर भी काफी सपोर्ट किया। जैसे उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद ने एक इंटरव्यू में इंडिया को सपोर्ट करते हुए ये कहा कि मालदीव्स कश्मीर इशू पर इस्लामिक ओआईसी देशों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि कश्मीर इंडिया का इंटरनल इशू है। इवन यूएनएससी के परमानेंट सीट के लिए भी मालदीव्स ने इंडिया को ही हमेशा सपोर्ट किया है। और इसके अलावा उनके इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को तो हमने देखा ही, जिसमें मालदीव्स अपने नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और इवन गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर्स में इंडिया को ही प्रेफरेंस देता है। अब जब दोनों कंट्रीज के रिलेशंस हमेशा से एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा सपोर्टिंग और क्लोज रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि मालदीव्स सडनली इंडिया को हेट करने लगा? यहाँ तक कि आम मालदीवियन को भी उसी को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिताना है जो एंटी इंडिया स्टैंड्स या मुद्दे पे लड़ रहा है। वेल फ्रेंड्स, इस बदलाव को समझने के लिए ना हमें आज से 14 साल पीछे जाना होगा। एंड आई हाईली रिकमेंड कि वीडियो के इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से देखना। तो मालदीव्स का पूरा पॉलिटिकल सेटअप और मालदीवियंस का इंडिया के प्रति हेट का कारण पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो शुरू करते हैं। मालदीव्स में ना कुल मिलाकर 9 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनके नाम आप इस लिस्ट में देख सकते हो। अब इन सभी में से सिर्फ 2 ही ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आज तक मालदीवियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। एक है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, जिनके ऊपर प्रो इंडिया होने का आरोप लगते रहता है, और दूसरी तरफ है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स PPM, जो अपने प्रो चाइना स्टैंसेस के लिए जाने जाती है। तो साल 2008 में प्रो इंडिया मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर मोहम्मद नशीद मेजॉरिटी के साथ मालदीवियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत हासिल करते हैं, और इसके अगले ही साल 2009 में नशीद जी इंडिया के साथ इंडो मालदीव्स डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं। अब देखो, इस पैक्ट का असली मोटिव इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रहे चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना था, जिसके लिए इंडिया भी मालदीव्स में 26 रेडार्स को प्लेस करने वाला था, ताकि दोनों भी कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस कर पाए। और इसी एग्रीमेंट के तहत इंडिया ने मालदीव्स में एक छोटा सा एयरफोर्स हेलीपैड स्टेशन बनाने की भी परमिशन ली। अब देखा जाए तो इस पूरे डिफेंस पैक्ट से दोनों कंट्रीज का फायदा हुआ था। जैसे इंडिया इंडियन ओशन रीजन में चाइना के ऊपर सर्वेलेंस रखकर उसे डिटर कर पाएगा,
और मालदीव्स को भी मैरिटाइम सिक्योरिटी के साथ उस हेलीपैड एयरफोर्स स्टेशन को मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर एयर एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल करने मिलेगा। पर 2009 में जैसे ही ये पैक्ट साइन होता है, मालदीव्स की ऑपोजिशन पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स ने नसेर गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। उन्होंने मालदीवियन जनता में ये बात फैलाई कि इस पैक्ट को साइन करके मालदीव्स ने अपने देश की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है और प्रेसिडेंट नशीद की ये चाल है अपने देश में इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ाने की। अब इस नैरेटिव से पीपीएम मालदीवियन जनता के सेंटिमेंट्स को कुछ हद तक अपने साइड करने में सफल तो हो गया, लेकिन पीपीएम को अपने इसी एजेंडा को जनता में वायरल करने का दूसरा बड़ा मौका मिला 2010 में, जब मालदीवियन गवर्नमेंट ने माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रेनोवेशन और अपग्रेडेशन कॉन्ट्रैक्ट एक इंडियन कंपनी कॉर्पोरेशन जीएमआर को दे दिया। अब जीएमआर ने इस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर यानी कि बॉट मॉडल पर कंस्ट्रक्ट किया था, जिसमें यूजुअली गवर्नमेंट्स ऐसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को बोलती है, जो अपने पैसे इन्वेस्ट करके उसे बनाते हैं और फिर उस प्रोजेक्ट के लिए पैसे वसूल होने तक और अपने प्रॉफिट्स कमाने तक वो कंपनी उस प्रोजेक्ट को लीज पर ले लेती। इसका सिंपल एग्जांपल हमारे नेशनल हाईवेज के टोल प्लाजा है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज रोड मेंटेनेंस करती है और उसके लिए वो रोज लोगों से टोल वसूल करती है। ऐसा ही सेम इस माले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में भी हुआ था। इंडियन कंपनी जीएमआर ने पहले उसे रिनोवेट किया और फिर उसके थ्रू आने वाले रेवेन्यू को कलेक्ट करना शुरू किया, पर ऑपोजिशन ने वापस से इसे लोगों के सामने ऐसे पेंट किया कि देखो इंडिया मालदीव्स को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है, और प्रेसिडेंट नशीद पर यह आरोप लगाया कि वो उनके पावर्स का गलत इस्तेमाल करके जीएमआर कंपनी को फेवर्स पहुंचा रहे हैं। भारी मात्रा में मालदीवियन जनता पीपीएम के बातों में आने लग गई, क्योंकि उस वक्त मालदीव्स की इकोनॉमी भी काफी डाउनफॉल पर थी और इससे शायद उन्हें भी लगा कि हमारा ये हाल इंडिया के कंटिन्यूअस इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है। और फिर तो इसके बाद आया प्रेसिडेंट नशीद का एक और डिसीजन, जो उनकी गवर्नमेंट के लिए मान लो लास्ट नेल इन द कॉफिन साबित हुआ। दरअसल उन्होंने मालदीव्स क्रिमिनल कोर्ट के चीफ जस्टिस अब्दुल्ला मोहम्मद को अरेस्ट कराने के ऑर्डर्स जारी किए, क्योंकि उनका मानना था कि अब्दुल्ला मोहम्मद ने एक्स प्रेसिडेंट और पीपीएम के सीनियर लीडर मोमून अब्दुल गयूम पर लगे करप्शन केस में उनको फेवर किया और उनको जानबूझकर नॉट गिल्टी बरी किया। अब जाहिर है इस अरेस्ट को ऑपोजिशन पार्टी ने प्रेसिडेंट नसेर के खिलाफ यूज किया और मालदीव्स की जनता में उनके रेजिग्नेशन की मांग को लेकर वॉयलेंट प्रोटेस्ट शुरू करवा दिए। इसी के चलते 7 फरवरी 2012 के दिन प्रेसिडेंट नशीद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और आखिरकार नवंबर 2013 में अपने एंटी इंडिया प्रोपोगंडा को सक्सेसफुली यूज करके प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स फाइनली पावर में आ गई और देश के नए प्रेसिडेंट बन गए अब्दुल्ला यमीन। अब अब्दुल्ला पावर में आते ही उन्होंने मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स पर क्रैकडाउन शुरू किया और स्पेशली मोहम्मद नशीद के खिलाफ तो अरेस्ट वारंट निकाल दिया। अब अरेस्ट से बचने के लिए नशीद ने इंडियन हाई कमीशन में पना ली, क्योंकि उन्हें पता था कि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से मालदीव्स विदाउट प्रायर परमिशन इंडियन एम्बेसी में एंटर नहीं कर सकता। इसी को यूज करके पीपीएम ने फिर ये इमेज क्रिएट की कि देखो अब इंडिया मालदीव्स के इंटरनल अफेयर्स में भी दखलबाजी कर रहा है और फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद ये इंडिया का एक पपेट ही है। इससे एक बार फिर से मालदीवियंस के बीच एंटी इंडिया सेंटिमेंट रीइंफोर्स हो गया और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब जहां पर एक तरफ प्रेसिडेंट अब्दुल्ला एमडीपी पार्टी और नशीद पर प्रो इंडिया होने का टैग लग रहा था, वहीं दूसरी तरफ खुद प्रेसिडेंट अब्दुल्ला चाइना के तरफ एक्सट्रीमली टिल्ट हो रहा था। प्रेसिडेंट बनते ही अब्दुल्ला ने शी जिनपिंग को मालदीव्स में बुलाया और उसी साल उन्होंने चाइना के बीआरआई और ज्वाइंट ओशन ऑब्जर्वेशन सेंटर, जो इंडियन ओशन में सर्वेलेंस एग्रीमेंट है, उसको ज्वाइन किया। इससे चाइना को तो मालदीव्स में स्ट्रांग होल्ड मिल गया, जिससे वो इंडिया को अपने स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रैटेजी से घेरने में सक्सेसफुल हो गया। पर क्या मालदीव्स को इससे कोई फायदा हुआ? वेल, एज वी ऑल नो, बीआरआई चाइना की एक डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी है, जिसमें कंट्रीज सिर्फ और सिर्फ फंसती जाती है, और मालदीव्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चाइना ने प्रेसिडेंट अब्दुल्ला को कुछ आइलैंड्स लीज पर देने के लिए मना ही लिया, पर इसके अलावा चाइना ने मालदीव्स को इस बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत $1.5 बिलियन का डेट बिल भी थमा दिया। और आखिरकार इस सबसे मालदीवियन जनता ये समझ गई कि
पीपीएम सरकार देश को बस सिर्फ डुबा ही रही है और इसीलिए साल 2018 के चुनाव में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी वापस से चुनाव जीत कर पावर में आ गई और इब्राहिम सोली देश के नए प्रेसिडेंट बने। पर जाते जाते भी अब्दुल्ला यमीन ने इंडियन फोर्सेस पर एलिगेशंस काफी लगाए कि वो मालदीव्स में एस्पियोनाज कर रहे और एडिंग ऑन टू ऑल द नेगेटिव प्रोपोगंडा अबाउट इंडिया इन द पास्ट, यही बना ट्रिगर जिसके बाद शुरू हुआ इंडिया आउट कैंपेन। पर नए प्रेसिडेंट इब्राहिम ने चाइना के साथ साइन हुए सारे एग्रीमेंट्स को कैंसिल कर दिया और इंडिया के साथ रिलेशंस वापस स्ट्रॉन्ग करते हुए इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को रिन्यू किया और फिर अगले 5 सालों तक सरकार अच्छे से चल रही थी अंटिल 2023 जब दोबारा से मालदीवियन इलेक्शंस हुए। अब प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स को एक स्ट्रेटेजी अच्छे से पता चल गई थी कि बस आम जनता को गवर्नमेंट के प्रो इंडिया स्टैंड्स के खिलाफ भड़काओ और अपने खाते में वोटर्स को पाओ और इसी को ध्यान में रखते हुए पीपीएम ने इंडिया आउट कैंपेन को दोबारा से रिवाइव किया और इस बार उसे काफी हैवीली रन किया। 2022 में उन्होंने इंडियन हाई कमीशन के बाहर योगा डे के दिन वॉयलेंट प्रोटेस्ट किए और इंडिया आउट के नारे लगाए और कई सारे इंडिया आउट रैलीज देश भर में निकाली गई और ऐसे करके ये आग भड़कने लग गई। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक मेजर सवाल ये है कि मालदीवियंस इतने आसानी से पीपीएम की बातों में आखिर कैसे आ रहे हैं। अब देखो ऐसा होने के ना दो मेजर कारण है। पहला है मालदीवियन इलेक्शन कमीशन के हिसाब से पूरे देश में 5.2 लाख की पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 2.8 लाख पॉपुलेशन ही एलिजिबल वोटर्स है। अब इस 2.8 लाख पॉपुलेशन में से कुल 1.6 लाख लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स हैं। मतलब जाहिर सी बात है वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते होंगे उसी को वोट भी करेंगे। अब बचे 1.2 लाख रियल वोटर्स को मैनिपुलेट करना भी काफी आसान है क्योंकि मीडिया वोटर नैरेटिव सेटिंग में एक अहम भूमिका निभाती है। पूरे मालदीव्स में 100 रजिस्टर्ड न्यूज चैनल्स हैं पर उनमें से सिर्फ 5 न्यूज चैनल्स ही एक्टिव है, बाकी सब डेड चैनल्स हैं। अब इन 5 चैनल्स में भी 3 state-owned हैं और बचे 2 political parties backed हैं और इसीलिए आम जनता का माइंड डाइवर्ट करके नैरेटिव शेप करना काफी इजी है मालदीव्स में और पीपीएम एग्जैक्टली इसी चीज का फायदा उठाकर जीत कर आई है। बट शायद पीपीएम को भी इंडिया का इंपॉर्टेंस अच्छे से पता है और इसीलिए मिजू के फॉरेन एडवाइजर और नए गवर्नमेंट के होने वाले फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन शरीफ जी ने भी मीडिया में इंडिया को इंडो पैसिफिक का लीडर कहा। इनफैक्ट उन्होंने तो यह भी बताया कि प्रेसिडेंट मिजू का फर्स्ट फॉरेन विजिट इंडिया में ही होने वाला है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट मिजू के स्वेयरिंग सेरेमनी में भी पीएम मोदी जी को इनवाइट किया गया। अब पीपीएम के इस प्रो इंडिया स्टैंड में ताजुब करने की कोई बात नहीं है क्योंकि जिस 1986 के ऑपरेशन कैक्टस में इंडिया ने मोमून अब्दुल गयूम की गवर्नमेंट को सेव किया था वो इसी पीपीएम के फाउंडर थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंडिया के पीपीएम पर भी मेजर फेवर्स है। इसका मतलब एंटी इंडिया स्टैंड बस इलेक्शन जीतने का एक प्रोपोगंडा था। एंड ऑल इन ऑल इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मालदीव्स चाहकर भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलमोस्ट हर बात पर इंडिया पर ही तो डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 70% डिफेंस इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है। उनका पूरा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो कि उनके आईएएस और आईपीएस है उन्हें इंडिया ही ट्रेन करता है। इंडिया आज मालदीव्स की हिस्ट्री का सबसे बड़ा द ग्रेटर मेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक आइलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी आर्किटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा बहुत ही बेसिक नीड्स जिसकी दाल चावल व्हीट फ्लावर और अन्य फूड आइटम्स के लिए भी मालदीव्स इंडिया पर ही डिपेंडेंट है और इसीलिए खुद इंडिया आउट कैंपेन के मास्टरमाइंड अब्दुल्ला यमीन जी ने भी भारत का शुक्रिया अदा किया है। तो ये सब सुनकर फ्रेंड्स आपको क्या लगता है, इंडिया आउट ये मालदीव्स में वाकई में एक इमोशन है या बस एक पॉलिटिकल एजेंडा है? जैसे कि आपको पता है एवरीथिंग इज लिटरली फेयर व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। इंडिया में भी आए दिन कोई ना कोई ऐसे पॉलिटिकल एजेंडा स्प्रेड होते रहते हैं। जैसे हाल ही में एक पार्लियामेंट सेशन में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में एंटर करने से पहले बीजेपी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी बांटा था उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड हटा दिया गया। वेल, ये न्यूज एकदम से वायरल हो गई और क्या वाकई में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड निकाल दिया गया है? इस पूरे मुद्दे को मैंने काफी डिटेल में इस वीडियो में कवर किया जिसे आपको जरूर चेक करना चाहिए। और फ्रेंड्स जाने से पहले अगर आपके पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है और आप अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना चाहते हो तो अभी जाओ ओपन योर अकाउंट विद XM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सिंपल फॉलो कॉपी एंड अर्न स्ट्रेटजी यूज करो विद XM। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। सी यू नेक्स्ट टाइम। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।